हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, एजुकेटर और मेंटर दीपांशु सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली अगर हम देखें यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर। आप में से काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यूपीएससी प्रीलिम्स नजदीक आ गया है। काफी सारे लोगों को नर्वसनेस और टेंशन हो रही थी कि कैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करें, कैसे रिवाइज करें, टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं आप सब लोगों के लिए, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ये 5-6 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं अबाउट दिस एग्जामिनेशन आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमेशा काम आएंगी, चाहे वो पैटर्न चेंज हो जाए, वो पैटर्न सिमिलर रहे, चाहे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज्यादा आ जाए या किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये टिप्स आपके हमेशा काम आएंगे क्योंकि इन्होंने मुझे भी हेल्प करा जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्जामिनेशन के लिए। हमेशा मैंने प्रीलिम्स में 120 से लेकर 150 के बीच में स्कोर किया है। तो कुछ टिप्स जो है जो आप जिन पे काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि डेटा कभी लाई नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप पिछले 5 सालों के पैटर्न को एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि 4-5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आपने ढंग से कवर कर लिया, ढंग से अगर आपने उसकी कवरेज कर ली है, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर लिया है, अच्छी कमांड बना ली है, तो इन सब्जेक्ट्स पे आप खेल सकते हैं एग्जामिनेशन पे। अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए इनको। वो 4 सब्जेक्ट्स आप जानते होंगे, मैं कई बार इसको रेफर कर चुका हूँ, जीप। जी स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफी, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी एंड फोर्थ वन इज पॉलिटी। तो ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल का डेटा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 58 से 65 क्वेश्चंस के बीच में हर 5 साल का एवरेज है, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको करंट अफेयर से लिंक कर दें तो ये 65 प्लस तक चला जाता है। तो अपने आप में ये बताता है कि दोस्तों कि अगर हम हिस्ट्री ना भी करें या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ना भी छुएं इतना ज्यादा, तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती है, लोगों को ये लगता है कि हिस्ट्री छोड़ देते हैं, एंशियंट में ही पढ़ते हैं, मेडिवल नहीं पढ़ते हैं, मॉडर्न नहीं पढ़ते हैं। ऐसा मत करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, एंशियंट इंडिया से भी ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, मेडिवल से कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर जो सूफी मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट है। भक्ति मूवमेंट खास करके आजकल 1-2 सालों में काफी इंपॉर्टेंट है। और आर्ट एंड कल्चर, अब देखिए राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में, श्री राम मंदिर का, तो टेम्पल आर्किटेक्चर, स्पेशली द नॉर्थ इंडियन नगारा एंड द्रविड़न स्टाइल, जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर है, उसके क्या डिफरेंसेस हैं, विसारा स्टाइल क्या होता है, अगर आप इनको पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को पेरिफेरी में रख के आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बट कमांड आपको बनानी है पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि PYQ जो है, कई बार लोग पूछते हैं मुझसे कि सर कैसे उसको पढ़ना है। PYQ के लिए देखिए सबसे अच्छी चीज है कि मार्केट में जो भी आपको बेस्ट बुक मिल जाए या रिसोर्स मिल जाए, जैसे हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, मैं खुद अपने कोर्सेज में प्रोवाइड करता हूं, आपको PYQ मिल जाएगा। तो उसके अलावा मेरे को एक बुक अच्छी लगी, आई केम अक्रॉस रिसेंटली, दिस इज बाय ओसवाल। इसमें इन्होंने काफी अच्छे तरीके से जो है एनालाइज किए हुए हैं PYQs, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके आंसर्स करेक्ट हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन बाय दिस बुक। और मुझे काफी सही लगी, जितने भी मार्केट में अवेलेबल है। मेजर प्रॉब्लम होता था कि बुक्स के आंसर सही नहीं दिए हुए थे, तो ये बुक जो है अपने आप में काफी मुझे सही लगी, क्योंकि एक तो पैटर्न एनालिसिस है और आंसर बहुत इनके सही दिए हुए हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और भी ध्यान रखनी है PYQ एनालाइज करते हुए, कि जो आंसर सही है, जो आपको आता है, वो तो आपको पढ़ना ही है। जो नहीं आता है उसको आप उसके 4 ऑप्शन को पढ़िए, और 4 ऑप्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। साथ साथ जो ऑप्शन आपका सही हो गया, जो क्वेश्चन आपका सही हो गया, उसके बाकी 3 ऑप्शंस, क्योंकि यूपीएससी कोई भी ऑप्शन फर्जी तरीके से नहीं बनाता, वो बिना सोचे समझे पेपर नहीं सेट करता है। तो यूपीएससी एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन सही भी हो गए हैं उनके भी ऑप्शंस को पढ़ना है, जो गलत हुए हैं उनके भी बाकी ऑप्शंस को पढ़ना है। इसलिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली बुक आपके पास होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, या कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर पाए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एग्जामिनेशन के लिए है कि डर को कैसे हटाएं। जो अंडर कॉन्फिडेंस रहता है इस एग्जामिनेशन को लेके, कि डर भरा रहता है, देखिए डर को हटाने का सबसे सही तरीका है कि अगर आपने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है, अगर आप उस शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, हर दिन एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो रही है आपकी। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इंस्टेंट ग्रोथ हो जाए, बिल्कुल आप देखें प्रोजेक्टाइल की तरह आप ग्रो कर जाएं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हो रही है, हर दिन अगर आप थोड़ा टारगेट एक्स्ट्रा अचीव कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा काम आएगा आपके इस एग्जामिनेशन में। हर दिन देखिए कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने रिविजन को, और खासकर से ये ध्यान रखना है जो हमेशा मैंने फॉलो किया और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बताई है,
बाय द वे इस बार मेरे 15 स्टूडेंट्स जिनको मैंने मेंटोर किया था वो इस बार यूपीएससी इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो अगर आप भी मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे अंडर, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे वो मेंस के लिए हो, या फिर सोशियोलॉजी ऑप्शनल की जो है मेंटोरशिप के लिए जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, मैं खुद पर्सनली इवैल्यूएट करके आपको गाइड करूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो जैसा मैंने बताया कि एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको मिनिमम ये 4 से 5 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया जीप, इसको तो रिवाइज करना है कम से कम 4 बार मिनिमम प्रीलिम्स के पहले, क्योंकि तभी कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप इसको रिवाइज कर रहे हैं उसके सेक्शनल टेस्ट लगाइए, जैसे मैंने बताया PYQ सॉल्व करिए, फिर और टेस्ट पेपर भी लगा सकते हैं। बट कई बार लोग पहले PYQ करने से पहले जंप कर जाते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, ऐसा मत करिए। PYQ को पहले करिए, फिर टेस्ट सीरीज पर जाइए, उसके बाद आपको अपने आप देखेंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली एक और चीज जिसके बारे में शायद लोग इग्नोर कर देते हैं, जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, वो है CSAT। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो GS1 पे ही फोकस करते रह जाते हैं, लेकिन CSAT में वो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाते। तो CSAT को बिल्कुल लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ना है, अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। स्पेशली आप फोकस कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान से करना है। रीजनिंग के जो है आप क्वेश्चंस कुछ लगा लीजिए। सबसे सही तरीका है कि अगेन PYQ उठाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उन पे फोकस ज्यादा करिए। अल्टीमेटली 70 नंबर लेके आने हैं, बट 70 लाने के लिए आपको 100 एम करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू लीव अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन। जो लोग बिल्कुल 70 का एग्जैक्ट एम करते हैं एग्जाम में, कई बार वो फंस जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, हमेशा ये कोशिश करिए कि यू शुड एम फॉर 100, सो दैट कट कटा के अगर 80-90 नंबर भी आए तो आप फ्री माइंड से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। CSAT के लिए भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है गाइडेंस के लिए, तो आप मुझे जरूर रीच आउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, या मुझे मेल भी कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड हेल्प यू आउट। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में शायद लोग विश्वास करें ना करें, बट लक एक बहुत बड़ा फैक्टर इस एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हो, बेस्ट प्रिपरेशन रही हो आपकी, लेकिन उस दिन क्या हो जाए कुछ नहीं कर सकते। खैर जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो है हमारी प्रिपरेशन, हमारा डेडिकेशन। उसको अगर हम एटलीस्ट मैनेज कर लेते हैं तो होगा यही कि अल्टीमेटली जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और इसके लिए ज़रूरी यह है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनको हम अच्छे से करें, बाकी तो सब आप भगवान पे छोड़ सकते हो। तो लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पर जैसा हम कहते हैं ना कि लक फेवर्स द ब्रेव, तो जो मेहनत करेगा और जो मेहनती भी होगा उसको ज़रूर लक फेवर करेगा। साथ साथ में थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करता हूँ। 2024 का साल सैटर्न का ईयर है, जानते हैं आप शनिदेव बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं आपको, बिल्कुल उठा के। एंड शनिदेव जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहेगी अगर आप मेहनत करेंगे। शनिदेव हमेशा टेस्ट करते हैं उन लोगों को जो कम मेहनती करते हैं, चोरी करते हैं। मेहनत में कमी मत करें, ध्यान रखें कि 2024 जो है वो शनि देवता के लिए न्यूमरोलॉजिकली 8 नंबर इज फॉर सैटर्न, तो वो हमेशा आपकी मदद करेंगे अगर आप मेहनत करेंगे। तो मेहनत करने से मत डरिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे रीच आउट करें। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टिप्स थे इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे और भी मैं काफी सारे इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके लिए इस चैनल पे आता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलूंगा बहुत जल्द। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।